हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा शेयर के बारे में। आज का करेंट प्राइस है 1.40, 7.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मैंने आपको जो टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए हैं। बट फ्रेंड्स, ये शेयर आपको पता है 1.15 से लेके 1.50 की रेंज में ही मूव कर रहा है लास्ट फ्यू मंथ से। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स काफ़ी अच्छा पैसा इसी रेंज में बना रहे हैं। सो आज 1.30 का लो बनाया, 1.40 का हाई बनाया और क्लोजिंग भी उसी में दी। बट 52 वीक हाई इसका 2.50 है, जिसका सबको बहुत टाइम से इंतज़ार है। फ्रेंड्स, सबको वेट है कि 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, उसके बाद ये शेयर में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5G सेक्टर के रीज़न से किए हैं, बल्कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये भी आपको ज़रूर अपने माइंड में रखना है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे कैसा है मार्केट कैप। 1767 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड फ्रेंड्स, माना कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन जून क्वार्टर में इनका लॉस काफ़ी कम हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो फिर 5G के लॉन्च होते ही शेयर हमें डबल होता देखने को मिल सकता है, लेकिन 1.55 को जब ब्रेक करेगा तो असली मूवमेंट हमें तब ही देखने को मिलेगी। तो 1.55 को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए, अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए। नहीं तो फ्रेंड्स, ये 1.50 तक जाता है, वहाँ से दोबारा लोअर साइड मूवमेंट ले लेता है। तो आप देखिए जितने रेजिस्टेंस है सारे आज इसने ब्रेक, और जो एक सपोर्ट है इसका वो आप ये छोड़िए जो मैं बता रही हूँ, 1.15 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। फ्रेंड्स, 1.40 आया है बिकॉज कुछ दिन से तो 1.30 1.35 के बीच में घूम रहा था, तो आज 1.40 आया है तो हमें एक अच्छी होप यहाँ बनने को देखने को मिली है। आज का वॉल्यूम देखिए 14 करोड़, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। जैसे 5G से रिलेटेड न्यूज़ें आ रही हैं बैक टू बैक, वॉल्यूम बढ़ रहा है इस शेयर में लगातार, ये एक बहुत अच्छा साइन है। 81% लोग बोलते हैं बाय करना चाहिए, 9% बोलते हैं सेल करना चाहिए, 10% बोलते हैं होल्ड करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अपने रिस्क पे ही इसमें एंट्री ले, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और वो भी एक पैनी स्टॉक है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एक तो पैनी स्टॉक है, ऊपर से एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में लेके चलना है। सो जानेंगे प्रमोटर होल्डिंग कैसा है और जानेंगे नेक्स्ट टारगेट आप इसमें क्या देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो थी, कोई न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो थी मैं आपको सारी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट टारगेट आप इसमें फ्रेंड्स 1.45 का लेके चलिए। थैंक यू सो मच।